सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ डिकोडर एंड एनकोडर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन ऑफ डिकोडर, टाइप्स ऑफ डिकोडर, डिकोडर एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर, एनकोडर, एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर एंड फाइनली कंक्लूजन। Now, first term is, what is decoder? Decoder means, decoder is just like a device which decode something. Decode means just you have to fetch some information, yeah, you have to get some desired information, what you have to supply it as input. Decoder means just decode to get your desired output. So basically, decoder is a combinational circuit that converts binary information from encoded to 2k power n unique outputs. कहने का मतलब ये है कि basically decoder एक combinational circuit है जो basically क्या करता है, encoded binary information means suppose 3 bit की binary information है उसको 2k power n, यहाँ पे n की value हो जाएगी 3 means 8, तो 3 को 8 output में convert कर देगा, means जो 3 है वर्क एज इनपुट एंड 8 आउटपुट। बेसिकली जो हमारा आउटपुट आएगा वो बेसिकली 3 बीट या 3 बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। आउटपुट 000 भी आ सकता है, 010 आ सकता है, 011 आ सकता है, ट्रिपल टाइम 1 भी आ सकता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप सपोज आपने 3 बीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है 101, तो बेसिकली इसके जो आउटपुट होंगे नंबर ऑफ आउटपुट 8 होंगे। जो नंबर ऑफ आउटपुट ए 8 आएंगे वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा 01 का। हो सकता है आपका एक आउटपुट 000 हो, दूसरा आउटपुट 001 हो, थर्ड 100 हो, फोर्थ 111 हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट होंगे। यहाँ पे एन जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने कोड का या कितने बिट का इनपुट है। अगर एन की वैल्यू 2 है मीन्स आउटपुट 2 के पावर 2 मीन्स 4 आएगा। तो सेम इफ द एनकोडेड इंफॉर्मेशन हैज अनयूज्ड बिट कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब है कि सपोज आप 4 बिट की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो एज इनपुट, उसमें से कोई अनयूज्ड बिट है तो मे भी हो सकता है कि जो आपका आउटपुट आए वो लेस देन 2 के पावर n हो। मीन्स अगर n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ आउटपुट होना चाहिए 16। अगर उसमें अनयूज्ड बिट है तो जो आउटपुट है मे भी हो सकता है कि वो 15 हो, 14 हो, मींस 16 या 16 से कम हो सकता है इन केस ऑफ कि अगर कोई अनयूज बिट है तो। डिजिटल डिकोडर कन्वर्ट्स ए सेट ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल कोड। तो बेसिकली हम डिकोडर का यूज बाइनरी इंफॉर्मेशन को डेसिमल कोड कन्वर्ट करने में भी करते हैं। सपोज अगर डिकोडर है, if decoder has n input and n output, so it can be called as a n into m decoder also, means n represent karta hai yahan pe input, m represent karta hai output ko. So basically there are mainly 4 type of decoder. One is binary decoder, 3 to 8 decoder means n ki value 3 hai to output 8 ho gaya, n ki value 2 hai to 4 hai to 16. So basically it represent karta hai first term, this represent input, this output, input, output, input, output. Now just look at 3 to 8 line decoder. Here this is combination of input A2, A1 or A0. आप देख सकते हैं इस फिगर में कि तीनों इनपुट बेसिकली हमारा इन्वर्टर से कनेक्टेड है जो कि इनके इनपुट की वैल्यू को कंप्लीमेंट करता है और ये सारी वैल्यू हमारे एंड गेट से कनेक्टेड है। Here, हम 8 एंड गेट यूज कर रहे हैं टू गेट 8 आउटपुट, दिस इज 3 इनपुट। बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 8 आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 010101 या 10 का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल, इनेबल बिस बेसिकली क्या होता है कि पूरे डिकोडर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इफ इक्वल टू 1 मीन्स decoder will be enabled, e equal to 0 means decoder will be disabled. Now move forward, the 3 data inputs A0 decoded into 8 of output, jo hum figure mein already dekh chuke hain,
कंप्लीमेंट ऑफ ईच इनपुट टीवी देख चुके हैं। तो बेसिकली एक सिंपल डायग्राम है 3 to 8 लाइन डिकोडर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि A2, A1, A0 बेसिकली क्या हमारा इनपुट है, ये इससे हमारा इन्वर्टर कनेक्टेड है जो इनके इनपुट को कम्प्लीमेंट करता है, और ये हमारा 8 एंड गेट इसमें यूज हो रहे हैं कि जो बेसिकली हमारे जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आता है, और आउटपुट आपका बेसिकली क्या है 0-1 का कॉम्बिनेशन है। इनेबल क्या होता है, बेसिकली इस पूरे सर्किट या पूरे डिकोडर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, इफ इक्वल टू 1 मींस योर डिकोडर इज एनेबल्ड, इफ इक्वल टू 0 मींस डिकोडर विल बी डिसेबल्ड। नाउ हियर बाय ट्रुथ टेबल यू कैन सी दैट कि ये डिकोडर इज इनेबल व्हेन ई इज इक्वल टू 1 एंड डिसेबल व्हेन ई इक्वल टू 0। कमर्शियल डिकोडर इंक्लूड 1 या मोर इनेबल आउटपुट, मींस कहने का मतलब है कि जो 3 to 8 लाइन डिकोडर है वो डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे करते हैं। अगर कमर्शियल डिकोडर की बात करें तो वहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ इनेबल इनपुट्स हैं वो मोर देन 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, नो हो सकते हैं। बेसिकली इनका काम होता है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सर्किट बाय ट्रुथ टेबल व्हेन इज इक्वल टू 0 ऑल आउटपुट इक्वल टू 0। यू कैन सी दैट डिपेंड नहीं करता कि तीनों इनपुट हमारा क्या है, बेसिकली इसमें डाउन कर्व कंडीशन है। व्हेन इनेबल इनपुट इज 1 डिकोडर ऑपरेट्स नॉर्मल, व्हेन द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिकोडर बेसिकली जस्ट ऑपरेट इन नॉर्मल फंक्शन। दिस इज बेसिकली अ सिंपल ऑपरेशन ऑफ डिकोडर की हाउ डिकोडर वर्क्स। तो बेसिकली इन समरी, इन शॉर्ट समरी, डिकोडर बेसिकली अ डिवाइस टू कन्वर्ट encoded binary information into 2 के पावर n outputs, means अगर n की वैल्यू 3 है तो आउटपुट विल बी 8, और 8 आउटपुट विल बी जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट की व्हिच इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड। नाउ इन प्रीवियस स्लाइड जस्ट वी हैव सीन दैट कि डिकोडर इज ए कंस्ट्रक्टेड टेबल using AND gate. Now you are going to see in this slide ki just you are creating decoder using NAND gate. So basically kya hai, ye jo samne figure dekh sakte hain, ye figure hai basically 2 to 4 line decoder ki, 2 input your I0 and I1 2 input, e is just enable input to control the whole operation of this particular decoder. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 NAND गेट यूज किए गए हैं टू गेट 4 आउटपुट, बिकॉज यहाँ पर 2 इनपुट हो जा रहा है तो वहाँ 4 आउटपुट होगा। इस केस में क्या है कि I0 की वैल्यू भी इन्वर्टेड हो रही है या कम्प्लीमेंट हो रही है, I1 की भी हो रही है, E की भी हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर E की वैल्यू 1 है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर E की वैल्यू 1 है, मीन्स 0 पास होगा, 0 पास होगा मीन्स इन दिस केस अगर E की वैल्यू 1 है तो ये पूरा जो डिकोडर होगा वो डिसेबल्ड होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पूरा इनेबल होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ई की वैल्यू पहले कम्प्लीमेंटेड होती है, इन्वर्टेड होती है, मीन्स अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब 1 होगी तो पूरा डिकोडर जो सर्किट होगा वो इनेबल होगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा वो डी नॉट से लेकर डी 3 तक आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो 0 पास होगा, जब 0 पास होगा तो ये डिकोडर डिसेबल होगा। ये बेसिकली हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं ओनली 1 output is equal to 0 at any given time, the other 3 outputs are equal to 1. The output which value is equal to 0 represents the equivalent binary number input. Is now 10? Now, the circuit is disabled when E is equal to 1. Now, E is equal to 1. E equal to 1 means here 0 pass over, then circuit will be disabled. E equal to 0 means circuit will be enabled. So this in this slide you can see that how 2 to 4 line decoder works. And some decoder can have 2 or more than 2 enable outputs. Now what is term decoder expansion? Expansion means to expand something. इसमें कहने का मतलब है, sometimes क्या होता है कि आपको larger डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है, बट आपके पास होता नहीं है, आपके पास छोटे साइज के डिकोडर होते हैं। छोटे साइज मीन्स कि लेस नंबर ऑफ इनपुट, लेस नंबर ऑफ आउटपुट,
सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 6 to 64 लाइन डिकोडर की रिक्वायर्ड है, बट आपके पास लार्जर डिकोडर ना होके छोटे डिकोडर है, देन बाय कंबाइनिंग देम यू कैन कंस्ट्रक्ट ए लार्जर डिकोडर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडर या डिकोडर एक्सपेंशन. कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना है, बट आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास अवेलेबल है 2 to 4 डिकोडर. देन बाय कंबाइनिंग टू टू फोर डिकोडर यू कैन मेक 3 to 8 लाइन डिकोडर. तो बेसिकली टू एक्सपेंड समथिंग इज कॉल्ड डिकोडर एक्सपेंशन, या यू कैन से डेट की टू कंबाइन टू या मोर देन टू डिकोडर टू मेक ए लार्जर डिकोडर, दैट प्रोसेस कॉल्ड डिकोडर एक्सपेंशन. तो हियर इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट कि जस्ट यू आर कंबाइनिंग टू टू फोर डिकोडर टू मेक 3 to 8 लाइन डिकोडर. तो इट इज एज्यूम दैट कि इच डिकोडर इज इनेबल व्हेन इट्स ई इनपुट इज इक्वल टू 1, व्हेन ई इज इक्वल टू 0 डिकोडर विल बी डिसेबल एंड ऑल टू 0. नाउ लेट्स सी इन दिस फिगर कि व्हाट हैपन इफ A2 इक्वल टू 0. Here A2 equal to 0, 0 will be passed here, here will be 1, means value of E equal to 1 means upper decoder will be enabled or bottom decoder will be disabled. In same case here you are going to pass 1, then it will be 0, means this will be disabled and this will be enabled. In this case, just you get output on the 4 to D7, and first one case you will get output D0 D3. Now application of decoder. There are various application of decoder. Decoder are generally used in application where the particular output or group of output to be activated only on the occurrence of a specific combination of input level. Decoder are used to get decimal digit corresponding to a specific input combination. A decoder is widely used to decode the particular memory location in the computer system. Or application of decoder can be found with also control unit of the central process unit. Basically, this decoder is used to decode the program instruction in order to activate the specific control line such as different operation the ALU. कहने का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा मेमोरी से फेच होता है, फिर हमारा इंस्ट्रक्टर डिकोडर आता है. बेसिकली जो भी हमारा डेटा मेमोरी से फेच हुआ है डिकोडर उसको डिकोड करता है, फिर वो चेक करता है कि व्हाट ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म. आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन जस्ट यू गेट आउटपुट. तो बेसिकली डिकोडर का काम होता है चेक करना कि हमें करना क्या है. नाउ इनकोडर, इनकोडर इज जस्ट रिवर्स ऑफ decoder. In decoder there are an input 2k power and output. In this number of input is equal to 2k power n, output will be n. Means just reverse of decoder. तो इसमें बेसिकली क्या देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ इनपुट है, ये हमारे आउटपुट है. तो बेसिकली ये परफॉर्म करता है जो भी डिकोडर का ऑपरेशन था, जस्ट उसके रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल इनकोडर को जो 3 OR गेट मिला के बनाया गया है, ये बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन दिस इनपुट. नाउ दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर गेटिंग आउटपुट. सॉरी, हियर इज मेंशन आउटपुट इज गुड क्यू नॉट, बट हियर इज ए नॉट. तो दिस बेसिकली कि रिप्रेजेंट की हाउ यू कैन गेट आउटपुट इन इनकोडर. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर्स, इनकोडर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट डी टू ट्री एलएम. मतलब देयर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर आल्सो. जस्ट इमेजिन कि वेयर कह सकते हैं कि जहां डिकोडर यूज हो रहा है डेफिनेटली वहां पे इनकोडर भी यूज हो रहा है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है यू टू परफॉर्म 1 to 2, देन यू हैव टू आल्सो परफॉर्म 2 to 1. जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल कि सम टाइम क्या होता है भैया, आपको 1 को 2 बनाना है, तो रिक्वायरमेंट वहाँ पर ए भी होती है कि 2 को 1 बनाना है. तो जो काम वहाँ पर डिकोडर करता है उसका जस्ट
रिवर्स परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू यूज इनकोडर. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो. थैंक यू.